Hello and welcome again, everybody. Welcome to another episode of my Spiti trip. That is Langja village. This might be the last place where I will be staying in this trip, but this will not be the last episode, I hope. और मैं यहाँ पे 1 बजे के आसपास पहुँचा और फिर मतलब ऐसे तो यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो यहाँ पे ना गौतम बुद्धा का एक स्टैचू है तो उसका उसको मतलब फ्रेम कर रहे किसी तरह से एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं बट मैं कोई और इंटेंशन से आया हूँ. मेरा प्लान है कि उसको भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस सा फ्रेम है वो. बहुत लोग उसका फ़ोटो लेते हैं तो मैं सोच रहा हूँ उसको स्किप करता हूँ. और बाकी जो इधर यार ये ना थोड़ा ना स्कॉटलैंड की तरह लग रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करता हूँ. और मैं भी स्टैचू के पास भी गया था, वहाँ से मैंने एक वो टाइम लैप्स बनाया और एक दो शॉट लिया है इस माउंटेन का विथ सम फोरग्राउंड. तो ये फोटो लिया मैंने, 3-4 शॉट्स लिए थे मैंने उसका, मतलब 2 शॉट लिया वहाँ पे. एक तो ऐसे देखो ऐसे दरार बने हैं ना तो यही वही बना था वहाँ पे भी, तो उसका उसको मैंने फोरग्राउंड में रखा है और बैकग्राउंड में अपना माउंटेन है. बाकी यहाँ पे भी मैं वही अटेम्प्ट करने वाला हूँ क्योंकि उस पर भी ना बहुत सही लाइट पड़ रहा है, साइड लाइट तो बहुत सही दिख रहा है. और फ्रेम करने को मेरा कोशिश और छोटे छोटे फ्लावर्स है यहाँ पे तो उससे फ्रेम करता हूँ, एक दो मतलब शॉट लेता हूँ. बट ये है कि मेरे को फोकस टैग करना पड़ेगा और ये सब मैं सोनी से ले रहा हूँ अभी. तो यहाँ पे एक शॉट हो गया, बाकी क्लाउड का प्ले इधर साइड भी चल रहा है बट ना बहुत ही अनबैलेंस्ड है ये जो पूरा फ्रेम है क्योंकि इधर से माउंटेन आ रहा है उधर से नहीं है कुछ, तो ये इधर भी सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कुछ शूट करने को. बाकी सनसेट इधर की ओर हो रहा है तो इसका सनलाइट कहीं इस माउंटेन पे पड़ेगा तो अगर थोड़ा बहुत भी अल्पिन ग्लो दिखा तो मस्त शॉट आएगा इसका. बाकी वेट है जो हमेशा करते रहता हूँ मैं. और अगर ठंड ज़्यादा ना हो तो मैं रात को जाऊँगा उसके आसपास जो स्टैचू है, मतलब मे भी मिल्की वे का ना करूँ बट हाँ मैं सोच रहा हूँ स्टार ट्रेल्स बनाऊँ बट श्योर नहीं है. अगर ठंड ज़्यादा रह गई तो नहीं बनाऊँगा बट मेरे को एक आध दो फोटोग्राफर्स भी दिख गए वहाँ पे तो मोटिवेशन बढ़ जाएगा मेरा तो मैं चला जा सकता हूँ वहाँ पे. बाकी ये देखो यहाँ के जो क्लाउड्स है ना वो अपनी इधर के नॉर्मल क्लाउड्स की तरह नहीं दिखते, ये ना इससे कॉटन की तरफ बिखरे पड़े होते इधर उधर. तो मुझे इस ट्रिप पे आके पता चला है कि सोनी कैमराज में आप 30 सेकंड से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं कर सकते हो विदाउट अ रिमोट शटर और आप ऐप से ही कनेक्ट कर सकते हो बट बहुत टीडियस है यार. मतलब 2023 है, इसमें ये चीज़ देना चाहिए इनको यार. ओके सो आई टेकिंग अ पैनो, अभी जाने से बहुत सही लाइट हुआ. एवरीबॉडी तो अभी मैं शूट नहीं कर पाया बट ये पीछे बहुत सही लाइट लीक हुआ और जितना विलेज है ना उसके पीछे जो स्नो कप माउंटेन है उसमें बहुत सही साइड लाइट पड़ रहा था तो मैंने एक दो पैनल लिया है और एक और शॉट लिया जिसमें मैंने फोरग्राउंड में कुछ बुश रखा है और बैकग्राउंड में बहुत सही लाइट है तो उसका एक फ़ोटो लिया है. बाकी अभी वेट कर रहा हूँ यहीं पर, बाकी कुछ दिखेगा तो दिखाऊँगा. Thank you.
ओके, तो मैंने भी फोकस टैग करके 3-4 शॉट लिए हैं। अगर आपको फोकस टैग नहीं पता तो फोकस टैग मतलब ये होता है, अभी जैसे एक चीज़ करो, अपने आँख के सामने ना हाथ रखो, अब हाथ को देखो, हाथ को देखोगे तो पीछे वाला जो भी चीज़ें हैं ना वो मतलब वो ब्लर हो जाएंगी। अब क्या करो, पीछे देखो तो हाथ ब्लर हो जाएगा। तो कैमरा में हम क्या कर सकते हैं कि हम हाथ जब पास ला रहे ना तो बेसिकली हो कह रहा लेंस पे ना कि लेंस की जो चीज़ ज़्यादा क्लोज आ जाती है तो अगर उस पर फोकस नहीं करोगे तो ब्लर हो जाएगा, अगर उस पर फोकस करोगे तो पीछे वाला चीज़ ब्लर हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लेंस में भी लग रहा है और इसकी वजह से 3-4 शॉट लेने पड़ते हैं सब चीज़ फोकस कर करके, फिर उसको आप फोटोशॉप में वगैरह में जाके ब्लेंड कर सकते हो साथ में, ताकि पूरा सीमलेस एक फोकस मिले नीचे से लेके ऊपर तक। अभी तक तो सेशन बहुत सही चल रहा है, बाकी देखते हैं यार, उधर और भी फोटोग्राफर लोग फोटो खींच रहे हैं, बहुत सेल्डम मेरे को ऐसा कोई मिलता है जो मैं जहाँ पे खींच रहा हूँ फोटोग्राफर मिले। ये प्लेस जो था ना, ये मतलब मेरे को यहाँ से सबसे कम उम्मीद थी पूरे ट्रिप में, और क्या दिन रहा आज, दिस वुड बी द बेस्ट डे एज अ फोटोग्राफर फॉर मी। क्या सही लाइट हुआ, एल्पिन ग्लो मस्त दिखा, और फोरग्राउंड के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि बस 5 से 10 मिनट के लिए लाइट टिका, तो फोटोज़ तो बहुत सही आया, मतलब मेरे को तो लग रहा है उफ। तो फिर चलते हैं फिर यहाँ से, अंधेरा भी होने वाला है, अपन उधर रुके हैं कहीं पे, मतलब होम स्टे वगैरह में, बाकी फिर उधर ही मिलते हैं। और अगर रात में अगर मेरा मन किया तो मैं उस वो जो है ना बुद्धा स्टैचू, उसके ज़्यादा मतलब उससे क्लोज पे मेरा होम स्टे है, तो मेरा अगर मन किया तो वहाँ पे जाके स्टार रील्स बनाएंगे, नहीं तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी ये लाइक 4th वीडियो होगा इसका, स्पिति ट्रिप का। और ना मुझे, मैं ना इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था तो उसमें ना मेरे को एक वाटरफॉल दिखा था काजा के आसपास, बट उसको मैं अभी तक लोकेट नहीं कर पाया, मैंने लोकल से भी पूछा वो कोई नहीं लोकेट कर पा रहा, तो मैं कल काजा जाऊंगा, वहाँ पे किसी ने बताया मेरे को कहाँ है, तो एक वीडियो उसका बना लूँगा वाटरफॉल का, क्योंकि बहुत सही वाटरफॉल है वो। नहीं तो मैं फिर क्या करूँगा कि ये जो काजा मनाली वाला जो रोड है ना, इस पर अपना कैमरा रख लूँगा उस पर टैंक बैग में, और ट्राईपॉड वगैरह पीछे डाल के, और पूरा रास्ता शूट करते जाऊंगा और उसका एक वीडियो बनाऊंगा, तो यही आगे का प्लान है। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग एज वेल। बाय बाय फॉर नाउ।